नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गुरुग्राम में उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने वालों की अब खैर रही। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। गुरुग्राम पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने बुधवार को कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने के दौरान दुर्घटना होने पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304(2) के तहत केस दर्ज किया जाएगा। गुरुग्राम में जो रॉन्ग साइड में जाने की जो एक प्रचलन लोगों ने गलत बना रखा है, उसको लेके गुरुग्राम पुलिस बड़ी इस बात में संजीदगी के साथ काम करना चाहती है कि भी इस तरह की चीज़ें ना हों और उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए लीगल एक्शन हम ज़्यादा तेज करेंगे। इस बात को लेके कल सीपी साहब ने क्राइम मीटिंग में निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी आदमी अगर रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ट्रैफिक क्या जो स्टाफ है उसको भी डायरेक्शन दी गई है कि हर हालत में उसका चलान किया जाए और उसका जो लाइसेंस को सस्पेंड किया जाए, और फिर भी अगर वो दोबारा रिपीट करता है तो उसके लाइसेंस को टर्मिनेट करवाया जाए। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के आधार पर हमने साल 2019 में 49,671 लोगों को गलत साइट पर ड्राइविंग के लिए चलान किया, जबकि वर्ष 2020 में ये संख्या 39,765 थी। बता दें, सड़क दुर्घटनाओं में देखा गया है कि अधिकांश दुर्घटनाएं रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने के दौरान होती है। गुरुग्राम पुलिस ने इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए ये फैसला लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।